सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए सहारा प्रमुख को लाया जा रहा है दिल्ली। यूपी पुलिस ने किया था लखनऊ में गिरफ्तार। सड़क रास्ते से लाए गए सुब्रत रॉय दिल्ली के आसपास ठहराने का इंतजाम। कुकरेल के गेस्ट हाउस में रखे गए थे सुब्रत रॉय, पुलिस पीछे के गेट से लेकर निकली बाहर। पुलिस की गाड़ी के पीछे उनके करीबियों का गाड़ियों का काफिला, सुरक्षा के सख्त इंतजाम। सुब्रत रॉय पर निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल को अब देशभर से समर्थन, आईएमए ने 48 घंटे की चेतावनी दी। आईएमए ने यूपी सरकार को दी चेतावनी, आरोपी नेताओं के खिलाफ हो कार्रवाई, जेल से रिहा किए जाएं डॉक्टर। आईएमए ने कहा अगर दो दिन बाद नहीं माने गए डॉक्टरों की मांगे तो देशभर में बंद की जाएंगी ओपीडी सेवाएं। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी का डॉक्टरों से हुआ था झगड़ा, पुलिस की मदद से डॉक्टरों को परेशान करने का आरोप। कानपुर में डॉक्टरों की हड़ताल से 13 मरीजों की मौत, विधायक से झड़प के बाद कानपुर मेडिकल कॉलेज में पुलिस ने की थी पिटाई। चौबीस डॉक्टरों को भेजा गया जेल, विरोध में 300 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। विधायक इरफान सोलंकी ने मारपीट की बात से किया इनकार, मामले से झाड़ा पल्ला। जो ऊपर से मेरे आदेश आएगा पर मेरी वजह से नहीं है, ये मुझे मालूम है, ये गलती खुद की है, उनको खुद सीखना चाहिए कि वो स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ाई करने आए हैं। कानपुर से निकली विरोध की आवाज को पूरे राज्य में समर्थन, लखनऊ में भी जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल। आगरा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने भी किया विरोध प्रदर्शन, आरोपी विधायक को हटाने की मांग। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में बेहाल रहे मरीज, जूनियर डॉक्टर कर रहे थे पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। वाराणसी के बीएचयू में रेजिडेंट डॉक्टरों ने ठप किया काम, बदसलूकी के खिलाफ कानपुर के डॉक्टरों के साथ। गोरखपुर में भी सुनाई दी डॉक्टरों के आंदोलन की आवाज, पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पुलिस की एकतरफा कार्रवाई के खिलाफ गाजियाबाद में कैंडल मार्च, बंद रहे अस्पताल और क्लिनिक। हड़ताल को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, गलत हुआ, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा। समाजवादी पार्टी की सरकार है, जो कोई पक्ष रखना चाहता होगा अपना रख सकता है, और जो जानकारी मिलेगी और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ तो आप सब चाहते हो कार्रवाई हो। हड़ताल को मुंबई के 14 मेडिकल कॉलेजों का समर्थन, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश भी है साथ। कानपुर में प्रशासन फंसा अपने ही जाल में, जेल में बंद डॉक्टर ने बाहर आने से किया इनकार। डॉक्टर के मुताबिक उन्होंने नहीं मांगी है जमानत, जिला प्रशासन मान मनोबल में जुटा। चुनाव आयोग आज या कल कर सकता है देश में आम चुनाव की घोषणा, 7 चरणों में चुनाव की उम्मीद। लोकसभा उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने के लिए आज कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक, कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगी मौजूद। पहली बैठक में तय हुए 93 उम्मीदवारों के नाम, इन सीटों पर कांग्रेस हार गई थी 2009 के चुनाव। जाट समुदाय को आरक्षण दिए जाने के मुद्दे पर विवाद, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को किया दरकिनार। ओबीसी रिजर्वेशन रक्षा समिति नाम के संगठन ने कहा कोर्ट से लगाएंगे गुहार, जाट सामाजिक रूप से और शिक्षा में पिछड़े नहीं। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सोनिया के घर दावत, कांग्रेस सांसदों को खाने पर बुलाया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता 10 जनपद पहुंचे, पार्टी से नाराज जगदंबिका पाल डिनर पार्टी से गायब। सोनिया के घर डिनर में कांग्रेस के सभी महासचिव को भी न्योता, संगठन से जुड़े कई अहम लोग भी हुए शामिल। सुरेश कलमाड़ी और पवन बंसल भी डिनर पार्टी में शामिल, शीला दीक्षित, जयंती नटराजन और मोहसिना किदवई भी पहुंची। एमएलएस के मुखिया राज ठाकरे से मिले बीजेपी नेता नितिन गडकरी, दोनों की मुलाकात को लेकर सियासत गर्म। राज ठाकरे से मुलाकात पर बोले गडकरी अभी एमएनएस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं। गडकरी ने कहा हम नहीं चाहते वोटों का हो बंटवारा, हमारी यही कोशिश राज हमारा वोट ना काटें।
राज ठाकरे और गडकरी की मुलाकात से शिवसेना मुखिया उद्धव ठाकरे खफा, बीजेपी ने से जताई नाराजगी। उद्धव ने दिल्ली में फोन पर केंद्रीय नेताओं से की बातचीत, गडकरी और राज की मुलाकात पर जताई आपत्ति। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी के लिए झटका, गुजरात यूनिवर्सिटी चुनाव में एनएसयूआई का लहराया परचम। सीनेट की 8 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनएसयूआई का 6 सीटों पर कब्जा, एबीवीपी के हिस्से में सिर्फ 2 सीटें। 8 मार्च को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी राजस्थान और एमपी के लिए उम्मीदवारों का होगा ऐलान। दूसरी सूची में 100 उम्मीदवारों के नामों का हो सकता है ऐलान, पहली सूची में बीजेपी ने जारी की थी 54 उम्मीदवारों की लिस्ट। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जर्मनी से आई युवाओं ने लगाए नमो नमो के नारे, भगवा रंग में दिखे सभी लोग। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर बढ़ा विरोध, दिग्गज नेताओं में असंतोष। नए अध्यक्ष हर्षवर्धन ने बदला चयन का तरीका, मौजूदा विधायकों को टिकट देने के पक्ष में नहीं। लोकसभा चुनावों को लेकर आज से अहमदाबाद में शुरू होगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पद यात्रा, 11 मार्च को राहुल होंगे मौजूद। मोदी के विकास की पोल खोला है, यात्रा का मकसद 26 संसदीय क्षेत्रों का दौरा। रामविलास पासवान के बीजेपी में शामिल होने के बाद सक्रिय हुई मायावती, आज दिल्ली में करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आगरा में अरविंद केजरीवाल को दिखाए गए काले झंडे, रोड शो के दौरान केजरीवाल का विरोध। कानपुर से दिल्ली लौटते समय केजरीवाल कर रहे थे रोड शो, मोदी के समर्थकों ने दिखाया काला झंडा। यूपी में रोड शो के दौरान बोले केजरीवाल, मोदी कहते हैं गुजरात में काफी विकास हुआ, मैं यही देखने गुजरात जा रहा हूं। 5 से 8 मार्च तक केजरीवाल करेंगे गुजरात का दौरा, अहमदाबाद समेत कई शहरों में केजरीवाल का रोड शो। मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात पर बोले केजरीवाल, कहा मोदी के खिलाफ लड़ना महत्वपूर्ण नहीं, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना जरूरी। बिहार में कांग्रेस के साथ गठबंधन की अटकलों को जेडीयू ने किया खारिज, शरद यादव ने कहा कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने का सवाल ही नहीं। शरद यादव का बयान, हमने बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ 11 पार्टियों का बनाया गठबंधन, अपने मोर्चे को मजबूत बनाएंगे। रामविलास पासवान के मोदी से हाथ मिलाने पर बोले शरद यादव, कहा यह सवाल पासवान से पूछा जाए कि वो मोदी के साथ क्यों जा मिले। बंगाल से बाहर अपनी पैठ बनाने में जुटी ममता बनर्जी की पार्टी, झारखंड में शिबू सोरेन के छोटे भाई लालू सोरेन टीएमसी में शामिल। निर्दलीय विधायक और झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने भी टीएमसी से मिलाया हाथ, विधायक चमरा लिंडा भी ममता पार्टी में हुए शामिल। जयललिता ने कांचीपुरम से शुरू किया चुनावी अभियान, कांग्रेस के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। जयललिता ने कहा, जिस तरह हमने अंग्रेजों को भगाने का काम किया उसी तरह कांग्रेस को भी बाहर फेंकना होगा। जयललिता की तमिलनाडु की जनता से अपील, हमारी पार्टी को वोट दें ताकि केंद्र में बनाने वाली सरकार में हो हमारी दखल। डीएम के चीफ करुणानिधि का अभी किसी से गठबंधन से इनकार, कहा अभी नए सहयोगी के लिए जगह नहीं। करुणानिधि का ऐलान, लोकसभा चुनाव के लिए अगले 2 दिनों में जारी होगा पार्टी का घोषणा पत्र। आज तक के ऑपरेशन रगे हाथ का असर, बिजली कंपनी बीएसईएस ने शुरू की जांच, कहा दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई, आज तक ने किया था करप्शन का खुलासा। दिल्ली में रिश्वत का खेल हुआ बेनकाब, आज तक के ऑपरेशन रगे हाथ में घूस लेते हुए पकड़े गए कई अधिकारी। दिल्ली जल बोर्ड में जारी है घूस का खेल, जल बोर्ड के स्टाफ ने किया खुलासा, घूस के लिए फड़फड़ाते हैं अधिकारी, केजरीवाल के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल। ट्रांसपोर्ट दफ्तर से लौटे दलाल, आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ खुलासा, हर काम के दाम है तय। बिक्री कर विभाग में भी चल रही है रिश्वत, वेट इंस्पेक्टर ने 10,000 रुपए के लिए रिश्वत टैक्स पेनल्टी की कराई डील। जिया खान की मां रबिया ने किया 8 गवाहों का स्टिंग, रबिया का दावा, पुलिस ने गवाहों के बयानों को तोड़ा मरोड़ा। पीसीएस में काम करने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर का हत्यारा नासिक से पकड़ा गया, मुंबई के लोकमान्य तिलक रेलवे स्टेशन से ऑटो में लेकर गया था।
एसर का रेप करने की भी हुई थी कोशिश, उसके बाद मारकर जलाया। डेढ़ महीने पहले हुई थी हत्या। आज तरुण तेजपाल की जमानत याचिका पर सुनवाई, यौन शोषण मामले में है आरोपी। मुंबई एयरपोर्ट के बाहर 1 किलो सोने की छड़ बरामद की, कस्टम विभाग ने छड़ के मालिक अब्दुल को भी किया गिरफ्तार, शारजा से कर ला रहा था तस्करी। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में नामी लुटेरा गिरफ्तार, लाजपत नगर में हुई 8.5 करोड़ रुपए की लूट में था शामिल। दिल्ली में चोरी की रकम से इंश्योरेंस पॉलिसी गिराने वाला चोर गिरफ्तार, मालिक के 5 लाख रुपए लेकर हो गया था चंपत। पुलिस ने बरामद किए 3,55,000 रुपए, आरोपी यूपी के सुल्तानपुर का रहने वाला। दिल्ली के मंगोलपुरी में महिला पर हुआ केरोसिन तेल से हमला, महिला 33% झुलसी। आरोपी पीड़ित लड़की का मामा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के प्रीतविहार में पुलिस की दरिंदगी, गैरकानूनी पार्किंग की शिकायत करने गए शख्स से मारपीट। आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं प्रणव, जबरन उगाही की दर्ज कराई थी शिकायत। दिल्ली के मंगोलपुरी में ऑटो वाले की दिलेरी, महिला से पर्स छीनकर भाग रहे बदमाश को धर दबोचा। यूपी के हापुड़ में पिलखुआ के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत, पत्नी और बच्चे घायल। हादसे पर गांव वालों ने लगाया जाम, पैसे लेकर ट्रक चालक को छोड़ने का आरोप, लाठीचार्ज के बाद पुलिस ने खुलवाया जाम। लखनऊ में एक गेस्ट हाउस में जश्न के दौरान फायरिंग, गोली लगने से एक बच्चे की मौत। एडीओ पंचायत के बेटे के का मनाया जा रहा था जन्मदिन, समाजवादी पार्टी के नेता का था गेस्ट हाउस। केक काटने से पहले होने लगी फायरिंग, 11 साल के निखिल को लग गई गोली। यूपी के फैजाबाद के अस्पताल में मानवता का मजाक, नवजात के शव को छोड़ा लापारिस। अस्पताल के बाहर शव नोचने में लगे थे कुत्ते, टुकड़ों को देख लोगों ने पुलिस को दी खबर। चुनाव नतीजों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने की संभावना, एसोचैम ने जारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट के मुताबिक अगर केंद्र में आती है स्थायी सरकार तो फीकी पड़ सकती है सोने की चमक। एलजी के टेक शो में कई बेहतरीन प्रोडक्ट्स पेश, दुनिया का सबसे पहला ओएलईडी कर्व टीवी लॉन्च। 77 इंच का टीवी कराता है थिएटर का एहसास, 3D टेक्नोलॉजी, मोशन सेंसिंग के साथ साथ स्मार्टफोन से कनेक्ट करने की सुविधा। टीवी के साथ एलजी ने लाइफस्टाइल बैंड भी किया लॉन्च, कैलोरी मीटर से लेकर हार्ट रेट भी बताएगा। एशिया कप में श्रीलंका की बड़ी जीत, अफगानिस्तान को 129 रनों से हराया। मैन ऑफ द मैच का खिताब पाने वाले संकारा ने खेली 76 रन की पारी, श्रीलंका की जीत के साथ फाइनल में पहुंचने की भारत की उम्मीदें खत्म। टूर्नामेंट में भारत का आखिरी मुकाबला 5 मार्च को अफगानिस्तान के खिलाफ भिड़ंत। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे केपटाउन टेस्ट में मेहमान का पलड़ा भारी, तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 287 पर सिमट गई। तीसरे टेस्ट में भी मिशेल जॉनसन ने ढाया कहर, पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट झटके।